सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। शांति, गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो, क्योंकि लौकिक में भी माना जाता है जितना हम दान करते हैं उतना पुण्य बनता जाता है। तो बाबा कहते हैं, जितना ज्ञान धन का दान करते हो उतना तकदीर ऊंच बन जाती है। बाबा, जब हम बच्चों को पूछ रहे हैं, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। तो बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। तुम्हारे है कि जब तक दम में है दम तुम्हारे कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम। भागते हैं, बच्चों ने दो लाइन गीत सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो यह पक्का की है कि स्त्री पुरुष कभी भी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई बिरला ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है, जो छोड़ देते हैं। यहां तो बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ। जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनिया की सगाई हुई है, परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हो। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो। अभी बेहद का बाप दादा आया कि आया, यह अवस्था जो तुम्हारी यहां रहती है बाहर सेंटर पर हो ना सके। यहां तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहां और वहां में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहां बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहां तुम सम्मुख नहीं हो। चाहते हो सम्मुख जाकर मुरली सुने। यहां बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया, जैसे और सत्संग होते हैं वहां समझेंगे फलाना स्वामी आएगा। परंतु यह ख्यालत भी सबकी एकरस नहीं रहती। कोई को संबंधी याद आएगा, बुद्धि एक गुरु के साथ भी ठहरती नहीं है। तो बाबा कहते हैं, दुनिया में बुद्धि भटकती रहती है कि इधर भी किया उधर भी किया। भगते मित्र संबंधी याद आएंगे, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं, बुद्धि दौड़ती रहती है। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो असौभाग्य। स्थाई याद में कोई बिरला ही रहते हैं। यहां शिव बाबा के सम्मुख रहने में तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यह यहां का गाया हुआ है। यहां तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर देवी गोद में होंगे। भल कोई की बुद्धि में सर्विस का ख्याल चलते हैं, इस चित्र में यह कनेक्शन करो और लिखो। परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे
कि अभी तो बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्न से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धियोग लगाना है। नंबरवार धारण करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धियोग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारण नहीं होगी। बाबा कहते हैं सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बनानी है ना, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय नहीं है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहां बनने हैं। कितनी सर्विस करना चाहिए बच्चों की बुद्धि में। अभी यहां है कि हम ब्राह्मण बने हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है ना। घरवार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं घर में भले रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो ही पड़ी है, हमारा बाप से काम है। यह भी जानते हैं कल पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही आकर फिर चलेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, सबको बाप का परिचय देते जाना है। यहां बैठे हो तो यहां बुद्धि में रहना है, और यहां बुद्धि में क्या रखना है, शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं, नोट्स लेने अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगे। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया था, सत्ययुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगे, उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। स्वतः प्रधान मतलब स्वतः रजो तमो की स्टेजेस होती है ना, स्वतः से रजो में आते हैं ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी स्वतः रजो तमो स्टेजेस आएगी, फट से तम प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं, सीढ़ी में दिखाया है। यह बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्याल चलता रहता है कि ऐसे सहज बनावे जे कोई समझ जाए, सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा, वो तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते हैं, तो शास्त्र आदि सुनते ही रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तो सबकी सदगति हो जाएगी और वह सदगति दाता आएगा, फिर जो हमारे चले हैं उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे। ऐसे समझ है दुनिया वालों का। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, शिव बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, पवित्र बनाते हैं, हम पावन बनते हैं, फिर नई दुनिया में चलते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह नॉलेज कोई के पास नहीं है, कहेंगे इस सीढ़ी में और धर्म का समाचार कहाँ है, यह भी इस गोले में लगा हुआ है, वो नई दुनिया में तो आते ही नहीं है, उनको शांति मिलती है, भारतवासी स्वर्ग में थे ना, भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हम बाबा के साथ योग लगाएंगे तो दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर नई दुनिया आएगी, इसलिए योग लगाना जरूरी है। जैसे हम आग में कोई चीज जलाते हैं तो परिवर्तन होता है उसका, तो योग अग्नि ऐसा है संसार को परिवर्तन करने वाला है। तो बाबा इस धारणाओं में कहते हैं आपस में एक दो का रिकॉर्ड रखना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है, सबको ज्ञान रत्न देना है, क्योंकि जितना ज्ञान धन हम दान करेंगे उतना हम धनवान बनते जाएंगे। एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है, दूसरे ख्यालों में बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा, संकल्प बुद्धि को अडर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हो,
व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प बुद्धि को जहां लगाना चाहो वहां लगा सको, इसी को ही कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी माना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इसी अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों से संपन्न हूं। तो आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए खुशी में रहना है, क्योंकि बाबा खुशी का सागर है, हमें खुशियों से भरपूर कर रहा है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।